वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। व्हाट इज मेंट बाय अ लूप? एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के अमल को कहते हैं लूप। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ लूप। एक यूज तो हमने पढ़ा कि जब हमें स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा बार रिपीट करना हो तो हम लूप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेइंग अ मैसेज ऑन स्क्रीन 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स और एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसी सिचुएशन में हम लूप यूज करेंगे। दूसरा इसका यूज ये है व्हेन वी हैव टू गेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेइंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1000 और एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्ट टू डिस्प्ले अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ऐसी सूरत में हम लूप्स को यूज करते हैं। डिफाइन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज द सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी लैंग्वेज। इट एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। व्हाइल लूप में एक कंडीशन पास की जाती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहती हैं और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो लूप टर्मिनेट हो जाता है। एंड इट इज यूजफुल वेयर द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। ऐसी सूरत में हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं जहां पर हमें ये पता नहीं होता पहले से कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। आइट्रेशन कहते हैं लूप की एक रेपिटेशन को, यानी अगर लूप 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो लूप की 5 आइट्रेशंस हैं, यानी 5 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा। एक एग्जीक्यूशन को एक आइट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप बोथ फॉर सिंगल स्टेटमेंट एंड फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स। सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले व्हाइल का कीवर्ड लिखा जाता है और पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखते हैं, यानी जिस कंडीशन को टेस्ट करने पर व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा उस कंडीशन को यहाँ पर पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। इसके बाद क्योंकि हम सिंगल स्टेटमेंट का सिंटेक्स देख रहे हैं तो यहाँ पर देखें सिंगल स्टेटमेंट लिखी है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करें कि व्हाइल एन इज इक्वल टू 1 तो प्रिंट एफ करवा दे हेलो वर्ल्ड को। यहाँ पर n कोई वेरिएबल है, सपोज करें हम यहाँ पर इसे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और इसे इनिशियलाइज कर देते हैं 1 के साथ। इसका मतलब ये है कि जब तक n की वैल्यू 1 रहेगी ये लूप प्रिंट एफ करवाता रहेगा हेलो वर्ल्ड, और इसकी एग्जीक्यूशन कुछ यूं होगी कि लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होने के बाद ये होगी इसकी एक आइट्रेशन, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर लूप की दूसरी आइट्रेशन, यानी दूसरी बार एग्जीक्यूशन, फिर तीसरी आइट्रेशन एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। इस केस में क्योंकि हमने n की वैल्यू फिक्स कर दी है कि वो 1 है और यहाँ पर कंडीशन भी ट्रू ही रहेगी, n 1 रहेगा और ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स विद मल्टीपल और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। फर्स्ट लाइन बिल्कुल पहले की तरह आएगी, व्हाइल का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद कंडीशन को टेस्ट करेंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाता है। व्हाइल लूप की कंडीशन टेस्ट होने के बाद इसकी आइट्रेशन स्टार्ट होगी और पहली एग्जीक्यूशन को फर्स्ट आइट्रेशन कहेंगे, इसी तरह दूसरी एग्जीक्यूशन को सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड एग्जीक्यूशन को थर्ड आइट्रेशन एंड सो ऑन। सो व्हाइल लूप को ऐसी सूरत में यूज किया जाता है जब हमें पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप। फ्लो चार्ट बनाते वक्त आपने शेप्स का खास ध्यान रखना है, लाइक फ्लो चार्ट का स्टार्ट और एंड आप इस शेप से करेंगे। इसी तरह कंडीशन टेस्ट करने के लिए डायमंड शेप यूज होगी और स्टेटमेंट्स को राइट करने के लिए आप रेक्टेंगल यूज करेंगे। फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है और एंडिंग पॉइंट ये वाला होता है। व्हाइल लूप के स्टार्ट होने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि कंडीशन टेस्ट होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और दोबारा कंडीशन टेस्ट होगी, ये 1 आइट्रेशन होगा। अगर कंडीशन अगेन ट्रू हुई तो
तो फिर ये सेकेंड आइट्रेशन होगा, फिर कंडीशन टेस्ट होगी और थर्ड आइट्रेशन। सो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। डिफाइन डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप हम उस वक्त यूज करते हैं जब कंडीशन को लूप की बॉडी के बाद टेस्ट करना हो। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। इससे पहले आप डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखिए। फॉर सिंगल स्टेटमेंट सबसे पहले डू का कीवर्ड आएगा, फिर हम सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाइल की कंडीशन बाद में टेस्ट हुई है, पहले डू की यानी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, जो कि एक सिंगल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद कंडीशन टेस्ट हो रही है। इसी तरह मल्टीपल या कंपाउंड स्टेटमेंट्स की सूरत में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। डू का कीवर्ड आएगा और फिर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी उन्हें आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखकर फिर व्हाइल के कीवर्ड के साथ कंडीशन टेस्ट होगी। सो अभी हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि नंबर वन, कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। यहाँ पर आप देखें कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। यहाँ पर देखें लूप की बॉडी एक बार, कम अज कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद व्हाइल की कंडीशन टेस्ट होगी। अब हमें ये देखना है कि व्हाइल लूप कब यूज होगा और डू व्हाइल लूप कब यूज होगा। डू व्हाइल लूप ऐसी सिचुएशन में यूज होगा जहां पर हमें बॉडी को एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट करना हो, तब हम डू व्हाइल का सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल व्हाइल लूप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काउंटर वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो लूप को कंट्रोल करता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, उसे कहते हैं काउंटर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें व्हाइल n इज लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल है n। n इज कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ टाइम्स दिस व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट। n की स्टार्टिंग वैल्यू है 1 और इसने तब तक एग्जीक्यूट होना है जब तक n की वैल्यू 5 या 5 से कम रहेगी। इस लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है वो है प्रिंट एफ हेलो। इस व्हाइल लूप की जो आउटपुट होगी स्क्रीन पर वो होगी 5 टाइम्स हेलो लिखा आएगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटर वेरिएबल ने लूप को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, 1 से लेकर 5 टाइम्स। तो 5 बार हेलो प्रिंट करवाने के बाद जैसे ही n की वैल्यू 6 हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तमाम लूप्स पर अगर आप डिटेल्ड लेक्चर देखना चाहें तो आई बटन में उसके लिंक्स गिवन है, आप लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते वक्त हमें पता होता है कि लूप की कितनी आइट्रेशंस होंगी, यानी लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। चाहे तो लूप एक स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट हो, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए एग्जीक्यूट हो, लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले हमें पता होता है कि फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। दिस लूप इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप एंड इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले फोर का कीवर्ड आता है और पैरेंथेसिस में 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर वन, इनिशियलाइजेशन, यानी काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, फिर कंडीशन टेस्ट की जाती है, और तीसरे सेक्शन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है। इसके बाद आती है बॉडी ऑफ लूप। अगर फॉर लूप सिंगल स्टेटमेंट के लिए होगा तो यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट लिख दी जाएगी, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो तो उन्हें कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज किया जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इंट n, n इज अ काउंटर वेरिएबल। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इनिशियलाइज्ड विद 1। लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक n इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड n में प्लस प्लस करे, यानी हर आइट्रेशन के बाद काउंटर वेरिएबल में a का इंक्रीमेंट कर दे। और सिंगल स्टेटमेंट के लिए ये फॉर लूप लिखा गया है। सिंगल स्टेटमेंट ये है प्रिंट एफ n की वैल्यू। इस लूप की एग्जीक्यूशन कुछ यूं होगी। सबसे पहले n की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 1 है, 1 n में इंक्रीमेंट होगा, n 2 हो जाएगा, और फिर कंडीशन टेस्ट होगी। अब क्योंकि n
इज इक्वल टू 2 है विच इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो सेकेंड आइटरेशन में लूप चला जाएगा और प्रिंट करवाएगा 2 को, विच इज द वैल्यू ऑफ दिस n वेरिएबल। इसी तरह ये आइटरेशंस 5 टाइम्स चलेंगे और स्क्रीन पर 5 तक काउंटिंग प्रिंट होगी। एक बात याद रखिएगा कि इनिशियलाइजेशन का स्टेप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है बिल्कुल स्टार्ट में, ये हर आइटरेशन में रिपीट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को यूज करना इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप विद इन अनदर लूप, यहाँ पर दो लूप्स की बात हो रही है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। इसे हम एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये फोर लूप है और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, और इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप यूज किया गया है विच इज व्हाइल लूप। इन दो लूप्स में से बाहर वाले लूप्स को हम कहेंगे आउटर लूप, और अंदर वाले लूप को जो आउटर लूप की बॉडी के अंदर है उसे कहते हैं इनर लूप। एक और पॉइंट में क्लियर कर दूं कि एक लूप के अंदर लूप का मतलब है कि बाहर वाला लूप भी कोई भी लूप हो सकता है, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और उसके अंदर आप कोई भी दूसरा लूप यूज कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि फॉर लूप के अंदर आपने फॉर लूप यूज करना है या व्हाइल लूप के अंदर आपने व्हाइल लूप यूज करना है। आउटर लूप कोई भी लूप हो सकता है, इसी तरह इनर लूप भी आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में एक लूप के अंदर दूसरे लूप का होना इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इनर एंड आउटर लूप, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। डिफाइन इनफिनिट लूप। इनफिनिट लूप ऐसे लूप को कहते हैं जिसकी एंडिंग कंडीशन कभी भी अकर नहीं होती, यानी ऐसा लूप जो चलता ही जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी यहाँ पर, व्हाइल लूप की मैंने आपको एक एग्जांपल दी जिसमें n इज इक्वल टू 1 था। अब n चेंज भी कहीं नहीं हो रहा, इसलिए ये कंडीशन हमेशा हमेशा ट्रू रहेगी और ये लूप चलता ही जाएगा अनलेस के यूजर खुद से फोर्सफुली इसे बंद करे। सो ऐसे लूप को कहते हैं इनफिनिट लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज काउंटर कंट्रोल लूप। ऐसा लूप विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। फोर लूप इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप बिकॉज दिस लूप टर्मिनेट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीचेज अ पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था n इज लेस देन इक्वल टू 5। डिफाइन सेंटिनल वैल्यूज। सिमिलर क्वेश्चन है why इज द सेंटिनल वैल्यू यूज इन लूप। अ स्पेसिफिक वैल्यू यूज टू टर्मिनेट अ सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप यानी व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ऐसी वैल्यू जो सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज होती है उससे कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। इट इज यूज इन लूप्स व्हेन द नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नॉट प्रीडिफाइंड and the loop continues to execute as long as the sentinel value is not found. Define post-test loop and pre-test loop. Pre-test loop ऐसे loop को कहते हैं जहाँ पर condition is checked before execution of the body of the loop. यानी loop की execution से पहले जहाँ पर condition test होती है, जिसकी example है while loop. While loop में पहले condition test होती है और फिर loop की body एग्जीक्यूट होती है, एंड बॉडी ऑफ द लूप इज टर्मिनेटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। पोस्ट टेस्ट के केस में जैसा कि हमने डू व्हाइल लूप में देखा, डू व्हाइल लूप में या पोस्ट टेस्ट लूप में पहले लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है एटलीस्ट वंस, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। कंडीशन क्योंकि पहले टेस्ट ही नहीं की जाती, इसलिए बॉडी में एटलीस्ट वंस तो एग्जीक्यूट होना ही होता है। उसके बाद जो ही कंडीशन टेस्ट की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो नेक्स्ट आइटरेशन होगा, यानी नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, अदरवाइज लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशन इज चेक आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी। व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जब हम लूप के अंदर लिखते हैं तो फौरन लूप टर्मिनेट हो जाता है, यानी कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप। लूप को जब टर्मिनेट करना हो एक्सप्लिसिटली, यानी खुद से टर्मिनेट करना हो, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होती है एक आइटरेशन को टर्मिनेट करने के लिए। जैसा कि हमने देखा लूप में मल्टीपल आइटरेशन होती हैं, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखने से करंट जो आइटरेशन चल रही होती है वो स्टॉप हो जाती है
वहां से कंट्रोल एग्जिट कर जाता है और नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये डिफरेंस हुआ कि ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट कर देती है, यानी तमाम आइट्रेशन स्टॉप हो जाती हैं और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट में लूप से टर्मिनेट नहीं होते बल्कि लूप के करंट जो आइट्रेशन चल रहा होता है एक आइट्रेशन को स्किप करके या टर्मिनेट करके दूसरे आइट्रेशन में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट परफॉर्म्स एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू अ नेम्ड लेबल। गो टू स्टेटमेंट आप अपने फंक्शन में, आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं कंट्रोल को बगैर किसी कंडीशन टेस्ट किए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए। इसकी एग्जांपल यूं है, सपोज करें कि आपके प्रोग्राम में 8 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। थर्ड लाइन में अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं गो टू स्टेटमेंट के साथ एक लेबल यूज होता है। लेबल आप किसी भी लाइन पर लिख सकते हैं। सपोज करें कि यहाँ पर आपने लिख दिया लेबल 1, लेबल वन के बाद कॉलन आएगा और उसके बाद आप जो भी स्टेटमेंट्स को चाहे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज करें डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी हैं। सबसे पहले कंट्रोल लाइन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर लाइन 2 को एग्जीक्यूट करेगा, लाइन 3 में आएगा तो उसे गो 2 की स्टेटमेंट मिलेगी, गो 2, और यहाँ पर आप लिखेंगे लेबल 1। अब गो 2 स्टेटमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगी लाइन नंबर 6 पर, क्योंकि लेबल 1 लाइन नंबर 6 में लिखा हुआ है, और यहाँ से फिर फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर 7 होगी एग्जीक्यूट, 8 होगी, 9 होगी, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 4, 5 स्किप हो गई ड्यू टू दिस गो टू स्टेटमेंट। जैसे ही गो टू स्टेटमेंट आएगी आगे लेबल डिफाइंड होगा तो कंट्रोल उस लेबल पर चला जाएगा, दरमियान वाली सारी लाइंस स्किप हो जाएंगी। इसे कहते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अनकंडीशनल इसलिए कि गो टू में कोई भी कंडीशन टेस्ट नहीं होती बल्कि सिंपली कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर दिया जाता है। और जो लेबल आप यूज करेंगे लेबल मस्ट बी इन द सेम फंक्शन। किसी और फंक्शन में लेबल लिखकर आप कंट्रोल को ट्रांसफर नहीं करवा सकते, सेम फंक्शन के अंदर आपका लेबल मौजूद होना चाहिए। मल्टीपल गो टू स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल लेबल्स को आप यूज कर सकते हैं। ये थे तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 डिसीजन लूप कंस्ट्रक्ट्स। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स सब्सक्राइब टू माई चैनल।